शुभ वास्तु कार्यक्रम को स्वागत है वास्तु शास्त्र भारत देश में अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप है साउथ इंडियन वास्तु एक टाइप है नॉर्थ इंडियन वास्तु एक टाइप में है आप आंध्र प्रदेश में आप देख लिए तो भी आंध्र प्रदेश में हैदराबाद वास्तु सिस्टम पहले एक टाइप में था अभी कोस्टल एरिया में एक टाइप है केरला वास्तु या बंगाल वास्तु देखें तो मोटा मोटी वहाँ वास्तु सिस्टम एक ही टाइप में होता है तमिल का वास्तु में सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट होता है मतलब आपका घर का बेडरूम का साइज ग्यारह फीट होना है या नहीं तो उसके बाद सिक्सटीन फीट होना चाहिए ऐसा मेजरमेंट्स है आप केरला तरफ गए तो केरला में आपका घर का मेन एंट्री साउथ वेस्ट तरफ होता है किचन नाइन्टी परसेंट ईशान में हो जाती है मतलब उधर बेडरूम के अंदर बेडरूम डोर्स भी नीचे स्थान में आग्ने में कोण में ज़्यादा होने के चांसेस है ऐसा आप उड़ीसा बरहपुर वो आज, इच्छापुरम आसपास में देखें तो वहाँ बिल्डिंग को भी डोर्स नीचे स्थान में रहते हैं मतलब वहाँ से कुछ साल से ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बंगाल तरफ भी गए तो बंगाल में भी आपका डोर्स नीचे स्थान में ज़्यादा होता है वहाँ किचन भी ज़्यादा से ज़्यादा ईशान में बनने वाला है ऐसा आप उत्तर भारत देश में भी गए तो उत्तर भारत देश में सेंटर में आंगन छोड़ना है खुला रखना है ऐसा करके वेंटिलेशन लेके बिल्डिंग को बनाना एक सिस्टम है कुछ कुछ लोग आजकल ये वास्तु के लिए मछली को रिकमेंड कर रहे हैं पेड़ रिकमेंड कर रहे हैं नहीं तो टोटा इसको ऐसा अलग अलग सिस्टम्स वाला एड कर रहे हैं मतलब आजकल मेन वास्तु से फेंकसू भी जोड़ा हुआ है कुछ लोग ये फेंकसू भी मिक्स करके बोलने वाला आ गए हैं इसलिए लोगों को भी एक कन्फ्यूज है इसमें कौन सा शास्त्र को फॉलो करना है कौन सा वाला सही है क्या ऐसा थोड़ा कन्फ्यूज में चल रहे हैं मेनली ये वास्तुशास्त्र पूरा डिग्रीज़ के ऊपर है एंड आपका लेवल्स अप एंड डाउन के ऊपर है और कंस्ट्रक्शन शेप मेन uh, इसी के ऊपर मेन वास्तव डिपेंड हुआ है ये इसमें कोई रिलीजन का नहीं है कोई कुछ भी नहीं है आप वज़न हर समय साउथ वेस्ट में रखना है हल्का नॉर्थ ईस्ट में होना है बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए तो आप पिरामिड्स और बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स पूरा काम्पस के बना के जीरो डिग्री में बना हुआ है ऐसा आप काम्पास को बेस करना जरूरी है स्ट्रक्चर का शेप इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट आप बैलेंस भी फॉलो करना है सपोज़ पुराना आप ब्रिटिशर्स कंस्ट्रक्शन में आप देखिए तो ये किधर पिलर होती तो उसको बैलेंस करके और एक पिलर होता है मतलब थोड़ा बैलेंस हो जाती है ऐसा आप ताजमहल भी देखिए तो पूरा बैलेंसड वाला स्ट्रक्चर है ताजमहल है या नहीं तो चार मीनार है ऐसा स्ट्रक्चर पूरा पूरा बैलेंस सिस्टम में बना हुआ है ऐसा आप ये बैलेंस सिस्टम करके आप स्क्वेयर और रेक्टेंगल में कंस्ट्रक्शन करना है पॉजिटिव आना एनर्जी आने वाला जगह पूरा खोल के रखना है नेगेटिव एनर्जी आने वाला जगह को पूरा बंद करके कर रखना है ये बेस करके आप आगे गए तो अपार्टमेंट हो इंडिविजुअल बिल्डिंग हो स्ट्रक्चर को यही मेन बेसिक सिस्टम है ये बेसिक सिस्टम से फॉलो करें तो आप भी एक अच्छा वास्तु पंडित बन जाती है